गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने डिटरमिनर्स के दो वर्ड्स लेके आया हूं। डिटरमिनर्स का मतलब ये होता है कि जो नाउन की मात्रा और संख्या को निर्धारित करता है या उसके बारे में बताता है, उसको ये देख बताता है कि नाउन जो है वो कितना है, तो उसको हम लोग डिटरमिनर्स कहते हैं। तो डिटरमिनर्स के दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, उसको समझते हैं, उसका इंग्लिश स्पीकिंग में क्या रोल है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या रोल, ये मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। तो वो वर्ड है अदर और अनादर। अदर और अनादर के जितने भी सेंटेंस हो सकते थे, सारे सेंटेंस को मैंने एक जगह इकट्ठे कर लिया मैंने, और उसका मैंने वीडियो बनाया है जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अदर का इस्तेमाल कब करना है और अनादर का इस्तेमाल कब करना है। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में बने रहेंगे और उसके एक एक बात को नोट करेंगे। उसके बाद अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लेकर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज मेरे वीडियो को बीच में ना छोड़ें, और आप अगर मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखते हैं दोस्तों, चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला वर्ड लिखा हुआ है अदर, जिसका मतलब होता है दूसरा या भिन्न। यह नहीं वह, मतलब अदर का मतलब होता है ये नहीं वह, मतलब जो अभी वर्तमान में जो चीज दिख रहा है, जो व्यक्ति दिख रहा है, जो चीज दिख रही है, वो नहीं कुछ और। डिफरेंट फ्रॉम ऑलरेडी मेंशनड, जिसके बारे में हम लोग पहले बोल चुके हैं, उससे अलग। डिफरेंट फ्रॉम ऑलरेडी मेंशनड, ध्यान देंगे दोस्तों, अदर का मतलब होता है यह नहीं वह। अब अनादर का मतलब होता है, अगर अनादर को हम लोग अलग अलग करें, ये एन प्लस अदर से बना हुआ है। एन प्लस अदर यानी एन यानी एक होता है, एक और, दूसरा एक और, एक और, वन मोर या एक्स्ट्रा, वन मोर या एक्स्ट्रा, इसको हम लोग कहेंगे अनादर। तो अब इसके बहुत सारे सेंटेंस लेते हैं और समझते हैं कि हमको अदर का इस्तेमाल कब करना है और अनादर का इस्तेमाल कब करना है। तो दोस्तों, बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे, बीच में वीडियो को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, पहला लिखा हुआ है कि मुझे, आई वॉन्ट अदर कप ऑफ टी, दिस कप कंटेन्स अ हाउस फ्लाई। मुझे चाय का दूसरा कप चाहिए, इस कप में मक्खी है। तो दोस्तों, चाय में मक्खी है, मक्खी गिरी हुई है, तो वो कह रहा है कि मुझे दूसरा कप चाहिए, ये वाला कप नहीं चाहिए, ये वाला कप नहीं चाहिए, मुझे दूसरा कप चाहिए क्योंकि इस चाय में मक्खी है। डिफरेंट फ्रॉम ऑलरेडी मेंशनड, जिस कप के बारे में मेंशनड कर दिया गया, वो वाला कप नहीं चाहिए, मुझे दूसरा कप चाहिए। यहां पर दोस्तों, अनादर कप मत बोल दीजिएगा। अगर आपने यहां पर अनादर कप बोला तो इसका मतलब यह हो रहा है कि मुझे एक और इस प्रकार का कप लाइए, मक्खी मच्छर खटमल जो जो डाल के लाना चाहो ला सकते हो, इसका मतलब ये हो जाए। तो दोस्तों, जब कोई चीज आपको वो पसंद नहीं होती है या आपको दूसरी चाहिए, ये नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तब आप वहां पर अदर बोलेंगे, अनादर नहीं बोलेंगे। अनादर का मतलब हो जाएगा वन मोर, एक्स्ट्रा, ये तो चाहिए चाहिए, एक और चाहिए। इस स्थिति में, चाय में मक्खी गिरी हुई उस कंडीशन में आप अनादर कप नहीं बोलेंगे, यानी कि मक्खी सही, चाय आपको बहुत अच्छी लगी है, एक और कप ले आइए, मच्छर खटमल और डाल के लाइएगा, बिल्कुल गलत। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, आई वॉन्ट अनादर कप ऑफ टी, आई वॉन्ट अनादर कप ऑफ टी एस, क्योंकि द टी इज वेरी टेस्टी, वाओ, मुझे चाय का एक और प्याला चाहिए, मुझे चाय का एक और कप चाहिए, क्योंकि चाय बहुत स्वादिष्ट है। दोस्तों, ठंड का समय है और अदरक वाली अगर चाय मिल जाए तो मजा आ जाए, शायद यही चाय होगी, इसमें अदरक डली होगी, इलायची डाला होगा और काफी टेस्टी चाय होगी शायद, इसलिए वो ऐसा कह रहा है, मुझे चाय का एक और कप चाहिए क्योंकि चाय बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए वो अनादर कह रहा है, अदर नहीं कह रहा है, अनादर कह रहा है, एक और चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। दोस्तों, तो अदर और अनादर में यही भारी अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। अब हम लोग अदर और अनादर के बहुत सारे सेंटेंस लेते हैं और समझते हैं कि इसको और कितने प्रकारों से बोला जा सकता है। तो दोस्तों, फिर मैं कहूंगा कि अंत तक बने रहेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा सेंटेंस कह रहा है डू, अब मैंने इसका हिंदी नहीं लिखा है, मैं हिंदी बोलता जाऊंगा, ध्यान देंगे दोस्तों आप, मैं ऐसा हो तो दो बार रिपीट कर दूंगा। डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, क्या आपके पास और कोई क्वेश्चन है? Do you have any other questions? क्या आपके पास कोई और सवाल है? इस सवाल के अलावा और हैं आपके पास? ये सवाल तो पूछ लिया आपने, और है क्या? Yes. Do you have any other questions? ये बोलेगा, इसलिए any other बोला। These pens are cheap, but other pens are costly. अब पेन, दो टाइप के पेन रखे हुए हैं, दो
प्रकार के पेन्स, इधर भी पेन रखा हुआ उधर भी पेन रखा हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि ये पेन तो सस्ते हैं बट वो वाले पेन महंगे, यानी इसका हमने जिक्र कर चुके हैं ऑलरेडी मेंशन, इनके अलावा जो पेन है वो कॉस्टली है। दीज पेन्स आर चीप बट अदर पेन्स आर कॉस्टली, या अनदर नहीं आएगा अदर आएगा। नेक्स्ट, आई कैन टीच नो अदर लैंग्वेज देन इंग्लिश, नो अदर के साथ देन आता है बट नहीं आता है, ध्यान देंगे दोस्तों आप लोग स्पीकिंग करते समय बट बोल देते हैं, तो नो अदर में हमेशा देन आता है। मैं कोई और भाषा नहीं पढ़ा सकता हूं, केवल अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, ये कह रहा है। तो नो अदर होता है, नो अनादर नहीं होता है, ध्यान देते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में, नन अदर देन पीएम होइस्टेड द फ्लैग, नन अदर देन पीएम होइस्टेड द फ्लैग, किसी और ने नहीं पर प्रधानमंत्री ने झंडा फहराया, होइस्ट यानी फहराना, किसी और ने नहीं पर प्रधानमंत्री ने झंडा फहराया, ऐसा आप होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 6 नंबर के बाद आ गए हम लोग 7 नंबर में, बी काइंड टू अदर्स, दूसरों के साथ दयालु बने, दूसरों के साथ दयालु होइए। या आगे 8 नंबर, आई कॉल यू एवरी अदर डे, मैं तुम्हें हर दूसरे दिन फोन करता हूं, आई कॉल यू एवरी अदर डे, मैं तुम्हें हर दूसरे दिन फोन करता हूं, हर दूसरे साल एवरी अदर ईयर, हर दूसरे महीने एवरी अदर मंथ, हर दूसरे हफ्ते एवरी अदर वीक, कह सकते हैं अनादर नहीं आएगा अदर आएगा। आगे बढ़ते 9 नंबर में आ जाते हैं, आई डोंट लाइक दिस शर्ट, मुझे ये शर्ट पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस शर्ट, आई प्रेफर द अदर वन, उसी प्रकार के शर्ट, उसी प्रकार के व्यक्ति में से किसी एक की बात कर रहे हैं, तब हम लोग द अदर भी कह सकते हैं, द अदर वन, किसी प्रकार का शर्ट मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तो आई डोंट लाइक दिस शर्ट, आई प्रेफर द अदर वन, या फिर आई प्रेफर द अदर बोलेंगे तो भी चलेगा। ओके, उसी प्रकार के व्यक्ति की बात या उसी प्रकार की चीज की बात में अगर कर रहे हैं तो द अदर लगा सकते हैं या द अदर वन लगा सकते हैं, या वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर फिनिश हो चुका है, 10 नंबर में आ गए, ऑल अदर बॉयज आर प्रेजेंट, बाकी सभी लड़के उपस्थित हैं, कुछ लड़के नहीं आए होंगे, ये कह रहा है कि ऑल अदर बॉयज आर प्रेजेंट, यहां पर अनादर नहीं आ सकता। आगे 11 नंबर, मोस्ट अदर बॉयज हेल्प्ड मी, अधिकतर दूसरे लड़कों ने मेरी मदद की, मोस्ट अदर बॉयज हेल्प्ड मी, अधिकतर दूसरे लड़कों ने मेरी मदद की, अधिकांश दूसरे लड़कों ने मेरी मदद की, ऐसा होगा। 12 नंबर में आ जाते हैं, बोथ लव ईच अदर, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ईच अदर दो के लिए होता है दोस्तों, दो जब एक दूसरे से बोलेंगे तो ईच अदर होगा, और दो से ज्यादा होगा तो वन अनादर बोलेंगे, यहां कहा जा रहा है कि बोथ लव ईच अदर, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, या अगर ज्यादा होता तो वन अनादर हो जाता। यस, 13 नंबर में आ जाते हैं, 13 नंबर शायद नहीं है, अब मैंने कुछ एग्जाम्पल अनादर के दिए हैं तो प्लीज फिर मैं कहूंगा कि अनटक बने रहें, अदर में तो अनटक बने रहें, अब अनादर थोड़ा सा बचा हुआ है तो प्लीज थोड़ा और वेट कर लीजिए, अनटक बने रहिए, बहुत अच्छी बातें हैं दोस्तों, अदर अनादर पूरा क्लियर हो जाएगा आपका, कोई डाउट्स नहीं बचेगा, सारे मैंने इकट्ठे करके लाया यहां पर, पढ़ते हैं। पहला अनादर का, वी शुड बी गिवन अनादर चांस, वी शुड बी गिवन अनादर चांस, हमें एक और मौका दिया जाना चाहिए, एक मौका तो दे दिए, एक और मौका दिया जाना चाहिए, अनादर एक और एक्स्ट्रा, यस एक्स्ट्रा मौके की बात कर रहा है, या इसी अनादर आएगा। नंबर 2, इफ वी स्कोर अनादर गोल वी कैन विन द मैच, अनादर गोल, एक और गोल करते हैं अगर हम लोग तो हम मैच जीत सकते हैं, अगर हम एक और गोल करेंगे तो हम मैच जीत सकते हैं। इसे रिपीट कर देता हूं, इफ वी स्कोर अनादर गोल वी कैन विन द मैच, अगर हम एक और गोल करेंगे तो हम मैच जीत सकते हैं, ये कह रहा है, एक और गोल का मतलब है कि वन एक्स्ट्रा गोल, यस यहां ये कहा जाता है। अगले में आ जाते हैं दोस्तों, नंबर 3, व्हाई डोंट यू यूज अदर मेथड, अब कोई मैथ सॉल्व कर रहा है, कोई चीज सॉल्व कर रहा है, अगर वो उससे सॉल्व नहीं हो पा रही है तो कह रहा भैया इस मेथड को छोड़ो ना यार, Why don't you use other method? दूसरे method को use करो ना, ये method तो काम नहीं आ रहा है जिससे तुम कर रहे हो, already mentioned. Why don't you use other method? या अगला sentence पढ़िए, I want to give you another method. मैं तुम्हें एक और method देना चाहता हूं, ये method तो ठीक है
मैं तुम्हें एक और मेथड देना चाहता हूं, एक्स्ट्रा मेथड देना चाहता हूं. इसको कह रहा है कि आई वॉन्ट टू गिव यू अनादर मेथड. यस कह सकते हैं आप, एक और के सेंस में हमको अनादर का इस्तेमाल करना है. आगे बढ़ते हैं. ये हो चुका. डू यू वॉन्ट अनादर ड्रिंक? क्या तुम एक और ड्रिंक चाहते हो? एक और पैक चाहिए क्या आपको? हाँ चाहिए क्या? वैसे भी ठंड है. डू यू वॉन्ट अनादर ड्रिंक? नो 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 नो, आई डोंट वॉन्ट अनादर ड्रिंक. मुझे एक और ड्रिंक नहीं चाहिए. आई एम फुल, नहीं चाहिए. ओके आई एम टिप्सी, हो चुका है मेरा. आई डोंट वॉन्ट अनादर ड्रिंक, मुझे नहीं चाहिए. ये कह रहा है. मैं नहीं कह रहा, मैं इसकी तरफ से कह रहा हूं. या पांचवा, दे हेटेड वन अनादर. वे एक दूसरे से नफरत करते थे. शायद ज्यादा होंगे, दो से ज्यादा लोग होंगे. वे एक दूसरे से नफरत करते थे, बहुत सारे लोग होंगे शायद. ये कह रहा है कि आई वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस. तो फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस होता है, न कि फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस होता है. तो फ्रॉम वन सिटी टू अनादर सिटी, फ्रॉम वन हाउस टू अनादर हाउस, फ्रॉम वन विलेज टू अनादर विलेज, ऐसे मतलब बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. मैं एक जगह से दूसरी जगह गया, ऐसा होगा. तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था. अदर अनादर में आप लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं पाते कि दोनों का मतलब दूसरा होता है, तो कब अदर लगाएंगे और कब अनादर लगाएंगे. तो दोस्तों ये आपके सामने एक और वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं. दिस इज अनादर वीडियो बिफोर यू. यस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत ज्यादा उपयोगी है, काम का है. मोस्टली स्पीकिंग में इसका यूज किया जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों. तो आप इसे अच्छे से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में. और इसके बावजूद भी अगर आपको डाउट होता है तो मैं आपके डाउट का इंतजार करूंगा. कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझसे डाउट पूछ सकते हैं. और भी कोई नया वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे लिखें, मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा जब मुझे समय मिलेगा दोस्तों. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे हर किसी को इसका फायदा मिल सके. और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों. बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ और आपके डाउट्स के साथ. धन्यवाद, थैंक यू.